Asalam Alaikum Everyone, with the Prana intro, I'm back with another video. Asalam Alaikum Everyone, I hope you all are well. आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं. तो जो आज की वीडियो है वो है टी ट्री ऑयल के बारे में. टी ट्री ऑयल क्या है, कैसे इसको यूज़ करके आप अपनी ऑयल को, पिंपल्स को, एक्ने को, पिंपल स्पॉट्स को और ब्लेमिशेस को कंट्रोल कर सकते हैं. तो पहले मैं अपनी स्टोरी के बारे में बात कर लूँ कि मैं इस तक कैसे पहुँची. ठीक है, मैं क्लियर करती हूँ कि हुआ ये कि जब मुझे बैक देन एक्ने हुई अ ईयर बैक, तो आई केप्ट सर्चिंग अबाउट इट कि कैसे मैं अपनी एक्ने को कंट्रोल करूँ, अपनी एक्ने को कम करूँ और अपने ब्लेमिशेस को हटाऊँ, अपने एक्ने स्पॉट्स को हटाऊँ. इससे पहले मैं आपको क्लियर करती चलूँ कि जो मेरी स्किन है वो ऑयली है, मेरी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव भी है और मेरी स्किन में ब्लेमिशेस भी हैं, ओपन पोर्स भी हैं और एक्ने भी है. तो बैक देन मुझे ये मशवरा मिला सबसे कि आप टी ट्री ऑयल यूज़ करें. तो मैंने इसे यूज़ करना शुरू किया. तो इसके पॉजिटिव साइड्स तो मुझे मिली ही, लेकिन बहुत से लोगों ने कहा कि ये आपकी स्किन पे रेडनेस भी ला सकता है आपकी, क्योंकि इसकी जो स्मेल है दैट्स सो स्ट्रॉन्ग, तो आपको कुछ ना कुछ असर हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है कुछ भी. तो लेकिन पहले मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप इसे अपनी स्किन पर डायरेक्टली ना लगाएँ. ठीक है, और अगर लगाना भी है तो जस्ट फ्यू ड्रॉप्स. ठीक है, पूरी स्किन पे लगा लें वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर जहाँ जहाँ आप पे आपकी एक्ने है वहाँ वहाँ आप कॉटन बड की मदद से सिर्फ वहाँ वहाँ लगा सकती हैं. ठीक है, एक चीज़ क्लियर होगी. ठीक है कि आप इसे किस किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, मॉइस्चराइज़र में, नाइट क्रीम में, फेस वॉशेज में. फेस वॉशेज में मैंने यूज़ इसको नहीं किया, मैंने इंस्टेड टी ट्री ऑयल वाले जो फेस वॉशेज हैं वो यूज़ किए हैं. तो फेशियल में मैंने इसको बहुत बार यूज़ किया है और ट्रस्ट मी, मुझे फेशियल और थ्रेडिंग के बाद जो है अमूमन एक्ने हो जाती थी, तो मैंने इसको यूज़ किया है. अक्सर होता है ना कि आप थ्रेडिंग करवा के आए हैं तो आपकी स्किन पे वाइट 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 दाने हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो भी नहीं होंगे. तो उसके बाद ये है कि मैंने इसको मुल्तानी मिट्टी के साथ यूज़ किया, मास्क में यूज़ किया और दिस प्रोडक्ट जो है वर्क्स वंडरफुली, मतलब बहुत अच्छा है. ठीक है, आप इसे मेकअप में भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ दिल चाहे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अवॉइड करें इसको डायरेक्टली यूज़ करने के. बॉडीशॉप का मैंने डायरेक्टली यूज़ करके भी देखा है, इसका इतना इफेक्ट नहीं है, लेकिन जो बाकी आम लोकल आप लेंगे उसका ये जो कौन है वो हो सकता है. ठीक है, उसके बाद मैं आपको क्लियर करती चलूँ कि आप इसको डेली में दो टाइम यूज़ करें. और अगर आप पिंपल्स पे इसको डॉट डॉट करके लगाते हैं ना तो वो बहुत अच्छा है. कॉटन बड ले लें और ज़रा सा इसको लगा लें. उसके अलावा जो है आप कोकोनट ऑयल के फ्यू ड्रॉप्स ले सकते हैं, साथ इसके ले सकते हैं और जो है आप इसको एलोवेरा के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है. अगर मैं इस पर्टिकुलर टी ट्री ऑयल जो बॉडीशॉप का है इसकी बात करूँ तो इसकी जो कॉन्स हैं वो बहुत कम है. मैंने इसको काफ़ी बार अपनी स्किन पे अप्लाई किया है, डायरेक्टली भी किया है, तो मुझे इसका कोई एज सच कॉन नहीं मिला. लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों से सुना था कि इसका टी ट्री ऑयल जो कि ऑर्गेनिक होता है और आपको लोकल मार्केट से मिलता है वो आपकी स्किन को काफ़ी हद तक डैमेज कर सकता है. तो मैं तो इसे बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगी क्योंकि ये आपकी स्किन के लिए वाकई ही बहुत अच्छा है. अब यही थी वीडियो आज की, आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि आप इसको ज़रूर ट्राई करें और इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो इमीडिएट नहीं है, यू हैव टू वेट टू गेट द रिज़ल्ट. कहते हैं ना कि कंसिस्टेंसी इज़ द की, आप मुसलसल इसको यूज़ करेंगे आपको अच्छे बेनिफिट्स लाजमी मिलेंगे, ना मिले तो पैसे वापस. तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.